नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं IVTV। बिहार में इस वक्त डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। वैसे में JDU और RJD के बीच भी आर पार वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, लेकिन अलग बात है कि ना नीतीश कुमार ये मानने को तैयार है और ना ही तेजस्वी यादव ये मानने को तैयार है कि महागठबंधन में कोई भी दरार जैसी स्थिति आई है। एक तरफ जहां चंद्रशेखर के बयान पर JDU लगातार जो है वो राजद को घेरने का काम कर रही है, JDU के कई प्रवक्ता सामने आकर राजद पर उंगली उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ एक बयानबाजी हुई थी जो चंद्रशेखर के बयान के पीछे कई लोग भूल चुके हैं। वो बयान दिया गया था सुधाकर सिंह के द्वारा। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को भिखमंगा तक कह दिया था और कहा था कि कटोरा लेकर दिल्ली तक चले जाते हैं भीख मांगने। वैसे में लगातार JDU की तरफ से सवाल उठते रहे कि राजद इस पर कार्रवाई कब करेगी, जिस पर तेजस्वी यादव की तरफ से ये जवाब आया था कि राजद का जो नेतृत्व है वो तो लालू यादव कर रहे हैं। अब लालू यादव की तरफ से ये डिसीजन लिया जाएगा कि सुधाकर सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। वैसे में अब कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कार्रवाई शुरू कुछ इस तरह से हुई है कि अब सुधाकर सिंह को नोटिस दिया गया है और नोटिस दिया गया है कारण बताओ का। 15 दिन के अंदर कारण बताना है सुधाकर सिंह को कि वो पार्टी में क्यों रहने चाहिए जब वो महागठबंधन के इस तारे मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन के मर्यादा का उल्लंघन वो कर रहे हैं और नीतीश कुमार पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो आखिर उनके ऊपर पार्टी कोई एक्शन क्यों ना ले। आपको बता दें कि पहले सुधाकर सिंह को मंत्री पद से भी इसीलिए हटाया गया था, वो कृषि मंत्री रहते हुए लगातार सरकार को ही निशाने पर ले रहे थे, सरकार पर ही सवाल दाग रहे थे, और जैसे ही जब उनको मंत्री पद से हटाया गया उसके बाद वो और उग्र हो गए और नीतीश कुमार के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोलने लगे, जिसके बाद JDU की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि मकर संक्रांति के बाद राजद को इस पर एक्शन लेना होगा, नहीं तो JDU जो है वो राजद के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। इन सब के बीच चंद्रशेखर का बयान निकलकर सामने आया, जो कुछ भी डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर कहा, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही लहर देखने को मिली। सुधाकर सिंह के बयान पर कोई भी कुछ बोलता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई है और 15 दिन के अंदर कारण बताने को भी कहा गया है। ये कार्रवाई लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही हुई है, जैसा कि तेजस्वी ने पहले भी कहा था कि इस पर लालू प्रसाद यादव ही एक्शन लेंगे क्योंकि पार्टी का नेतृत्व वही कर रहे हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर उनका ही ये हक है कि वो वही पार्टी के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर निर्णय लें। अब जिस तरह से सुधाकर सिंह के ऊपर फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उससे साफ तौर पर यह भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर वाले डैमेज को सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई करके RJD जो है वो कवर अप करना चाह रही है। JDU के साथ RJD अपनी साठगांठ बनाए रखने के लिए उस डैमेज को थोड़ा सा कंट्रोल मिले, इसीलिए सुधाकर सिंह के ऊपर कार्रवाई करती नजर आ रही है। इस खबर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहे IVTV के साथ। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।